अस्सलाम वालेकुम। एबीसी लिखना आता है आपको? आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ, अगर आपको सिर्फ एबीसी लिखना आता है, जो दूसरी क्लास के पहली क्लास के बच्चों को भी आता है, अगर आपको पूरी एबीसी आती है, आपको गिनती आती है, तो यकीन जाने आप पैसा कमा सकते हैं। इतना आसान और इतना बेहतरीन काम कि यकीन जाने अनपढ़ शख्स भी इस तरीके से कमा सकता है। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, इसमें बताए गए तमाम स्टेप्स को फॉलो करना है। मैं आपको पूरा काम करके दिखाऊंगा, आपके सामने पूरा काम करके दिखाऊंगा, आपको समझाऊंगा अकाउंट कैसे बनता है, इसके ऊपर आपने काम क्या करना है, काम आपको कैसे मिलेगा, और आपने सिर्फ एबीसी लिख के पैसा कैसे कमाना है। क्या ऐसा मुमकिन है? क्या ये जेन्युइन प्लेटफॉर्म है? ये भी आपको चेक करके बताऊंगा। क्या ये वाकई में पेमेंट दे रहा है? ये भी आपको चेक करके बताऊंगा। और पाकिस्तान में रहते हुए आप इसके जरिए से विड्रॉ कैसे ले सकते हैं, आपके तमाम सवालात इस एक वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आपने क्या करना है, इस वीडियो के साथ जुड़े रहना है, और आपको वीडियो अच्छी लगती है देखने के बाद आपने इस वीडियो को लाइक कर देना है और इसको शेयर कर देना है। हाँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास वीडियो देखने का टाइम नहीं होता, तो एक ही टिप दे देता हूँ कि उस वीडियो को लाइक करके चले जाया करें, वो आपकी लाइक वीडियोस में सेव हो जाएगी। आपने बाद में जब टाइम मिलता है आप उस वीडियो को देख लिया करें, ठीक हो गया। तो आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, इसी तरह का जेन्युइन कंटेंट आपको चाहिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट लेके आता रहूंगा जिसके जरिए से आप घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात जो बहुत ही जरूरी है, अगर आपको ये लग रहा है कि ये वीडियो देखने से ही आपको पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। इसके अंदर जो स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा, आसान तरीन स्टेप्स मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद आपको कोई इशू आता है तो कमेंट्स में मैं आपको जवाब दूंगा, उसके बाद कोई इशू आता है तो मैं आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई करूंगा, मैं आपको मैसेंजर पे जवाब दूंगा, जिस प्लेटफॉर्म पे आप मुझसे रब्ता करेंगे मैं आपकी गाइडलाइन करूंगा। लेकिन शर्त यह है कि आपने मेहनत करनी है और पैसा कमाना है और दूसरे लोगों तक अपने इल्म को शेयर करना है। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा, आपने इसका कोई स्टेप मिस नहीं करना, क्योंकि ये वेबसाइट आपको पैसा कमा के देने वाली है। पर आसान काम एबीसी तो सबको आती है यार, तो चलते हैं वीडियो। तो गाइज मैं आ गया हूँ लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। आज की वीडियो पे अगर आपने काम किया, काम बहुत ही आसान है, काम कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आपने काम करना है तो आपको अर्निंग होनी है। ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं करोगे और आपको अर्निंग होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने गूगल पे आके सिंपल लिख लेना है टू कैप्चा, ठीक है। इसके स्पेलिंग आप देख लें, ये मैंने आपको ये सामने मैंने आपको लिख के भी बता दिए हैं, ठीक है। आपने इसको जैसे ही आप लिखेंगे तो ये पहले नंबर पे वेबसाइट आ जाएगी tocaptcha.com। आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ये बता रहा है वर्क फॉर टू कैप्चा, कैप्चा सॉल्विंग सर्विसेज, ठीक है जी। इस पे आपको अर्निंग होगी, ये क्या बता रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम $1 फॉर 1000 सॉल्व कैप्चाज, 1000 कैप्चाज आपने सॉल्व करने हैं और आपको उसका $1 मिलेगा, ठीक है जी। फिलिंग जॉब्स की मैं आपको मजीद डिटेल बताता हूँ, तो इसमें ये क्या कह रहा है, कैप्चा फिलिंग इज अ लिजिट इजी टाइपिंग जॉब एंड गारंटीड वे टू हैव एडिशनल इनकम इन इंटरनेट, फ्री रजिस्ट्रेशन टू स्टार्ट वर्क ऑन सर्विस, यू ओनली हैव टू साइन अप, हिट स्टार्ट वर्क एंड देन द सिस्टम विल गाइड यू थ्रू ट्रेनिंग टास्क टू शो वट टू डू, नेक्स्ट यू विल बिगिन अर्न मनी ऑनलाइन बाय सॉल्विंग कैप्चास, ठीक है जी। वो कह रहा है कि आपने इसके ऊपर अकाउंट बनाना है, वो बता रहा है कि फ्री रजिस्ट्रेशन है, किसी किस्म की कोई फीस नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, और आपने इस पर साइन अप करना है और आपको वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। आप बेफिक्र रहें, इसके अंदर कोई ऐसे स्टेप्स भी होते हैं, जब साइन अप के दौरान कोई ऐसा स्टेप होता है वो आप मिस कर जाते हो तो आपको पता नहीं लगता कि किस तरह से ये काम करता है, ठीक है जी। वो ये बता रहा है रेट क्या है इसका, $1 है पर 1000 पर 1000 नॉर्मल कैप्चास, $2.99 है पर 1000 JS कैप्चास, ठीक है जी। कैप्चा सॉल्विंग स्पीड नॉर्मल 11 सेकेंड, JS कैप्चास 53 सेकेंड्स, ठीक है। ये चीज़ें आपने देख ली हैं, ठीक है। कैप्चा ह्यूमन बाईपास ऑनलाइन स्टैटिक्स का भी उसने बता दिया, PI क्लाइंट्स पाइथन, PHP, रबी, गो और जावा। अब हम इसको ज़रा साइन अप करने से पहले ज़रा जाके इसको हम चेक कर लेते हैं स्कैम एडवाइज़र के ऊपर जो, और सिमिलर वेब के ऊपर जो वेबसाइट्स इनको जज करती हैं, हमें बताती हैं कि इनके ऊपर आपने काम करना है या नहीं करना, ठीक है जी। तो आपने ये इसकी वेबसाइट को यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। मैं आपके सामने आपको करके बताता हूँ, और इसको सर्च करते हैं। जैसे ही आप सर्च करते हैं ये क्या बता रहा है, द ट्रस्ट रेटिंग इज हाई, माइट बी सेफ,
ठीक है जी, सेटिंग इसकी हाई है, ये सेफ है वर्किंग करने के लिए। सिमिलर वर्ब के ऊपर जाते हैं, वहां पे हम इसको पेस्ट करते हैं, तो चेक करते हैं ये क्या बता रहा है कि इसके 2.6 मिलियन विजिट्स हैं। ठीक है जी, 2.6 मिलियन इसके विजिट हैं, जो कि एक अच्छी, तो इससे ये पता लग रहा है कि ये वेबसाइट ट्रस्टेबल है, इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। ठीक है जी, अब क्या है, मैं वापस उसी वेबसाइट के ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पे आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से काम करना है, किस तरह से अकाउंट बनाना है। आपने क्या करना है, साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे आपने क्लिक कर लिया, इसके बाद आपने यहाँ पे ईमेल दे दी। ईमेल देने के बाद यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड देना है। पासवर्ड आप हमेशा स्ट्रॉन्ग लगाया करें, ऐसा लगाया करें जो आपको याद भी रहे और जो हर कोई जज ना कर सके। ठीक है जी, आपने यहाँ पे उसी तरह से अपना पासवर्ड लगा लेना है। आपने आई अग्री द टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म्स एंड सर्विसेज ऑफ प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करना है। आप डायरेक्ट साइन इन विद गूगल भी कर सकते हैं, साइन अप विद फेसबुक भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कह रहा है कि आपके जीमेल अकाउंट के ऊपर हमने एक कोड भेजा हुआ है, ठीक है, आप वो हमें भेज दें। आपने क्या करना है, सिंपल आपने अपना जीमेल का अकाउंट ओपन करना है। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से इसने, अब यहाँ पे इसने मुझे कोड भेजा हुआ है, मैं वो यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। अच्छा जी, वो कोड मैंने वहाँ पे इंटर किया तो ये मुझे यहाँ पर ले आया है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि आप जो है, आप यहाँ पे आपने बताना है कि आप कस्टमर हो या वर्कर हो। ठीक है जी, आपने काम करना है, काम करके आपने पैसे लेने हैं, या फिर आपने यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करनी, या फिर आपने यहाँ पे काम प्रोवाइड करना है। ठीक है जी, तो आपने क्या किया, आपने आई एम अ वर्कर पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये इसने आपका प्रोफाइल ओपन कर लिया। ये देखें यहाँ पे आपके $0.00 हैं इस टाइम। ठीक है जी, अब उसने क्या बताया आपको, आपका बैलेंस इतना है, आपकी पेंडिंग पेमेंट ये है, पेंडिंग ट्रांसफ़र ये है, टुडे की आज की अर्निंग ये है, कल की अर्निंग ये है, इस महीने की अर्निंग ये है। तो बड़ा ही यूज़र फ्रेंडली इसका इंटरफेस है, वो बड़ा यूज़र फ्रेंडली है। तो अब आपने करना है, आपने यहाँ पे ये लेफ्ट साइड पे देखें आपका आ रहा है स्टार्ट वर्क, आपने स्टार्ट वर्क पे क्लिक करना है। अब वो ये कह रहा है कि अगर आपने ज़्यादा अर्निंग करनी है तो आप हमारी एंड्रॉयड ऐप या विंडोज़ के लिए जो ऐप है डेस्कटॉप के लिए, आप उसको इस्तेमाल करें, उसमें आपको ज़्यादा कैप्चाज आएंगे। तो मैंने आपको अभी समझाना है, कह रहा है रिमाइंड मी लेटर एंड कीप वर्किंग इन ब्राउज़र। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखें क्या करना है हमने, अब ये पेज आ गया। यहाँ पे वो ये कह रहा है स्टार्ट वर्क, स्टार्ट वर्क पे आपने क्लिक कर दिया। कह रहा है यहाँ पे आपने अपनी लैंग्वेज बता देनी है कि कौन सी लैंग्वेज है आप, इसके अलावा कोई लैंग्वेज जानते हैं, किसी और लैंग्वेज में काम करना चाहते हैं तो आपने उसको सेलेक्ट कर देना है। वो सेलेक्ट करने के बाद आपने सेव पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी, लैंग्वेज आपकी अपडेट हो गई है। इसके बाद आपने दोबारा स्टार्ट वर्क पे क्लिक करना है। एक यहाँ पे लैंग्वेज सेट करते हुए, ये लैंग्वेज का ऑप्शन है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो भी लैंग्वेज सेट करो उसके अंदर आपको वो लैंग्वेज आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप डिफरेंट लैंग्वेज सेट कर लो आप और आपको वो आती ना हो। जब आप इस तरह की लैंग्वेज सेट करोगे तो उससे ये होगा कि आपको अर्निंग नहीं होगी, उल्टा आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा और फिर आप इसको फेक कहते रहेंगे। तो इसी तरह मैं बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, आप उनको मिस कर जाते हो, फिर आपकी वर्किंग नहीं होती, अकाउंट ब्लॉक हो जाता है और आप कहते हो कि हमें समझ नहीं आई। ठीक है जी, स्टार्ट वर्क पे क्लिक करता हूँ। अच्छा जी, देखें यहाँ पे वो क्या बता रहा है कि 30 सेकंड रह गए हैं। वेलकम टू टू कैप्चा, हियर यू कैन अर्न इंटरेस्टिंग टेक्स्ट फ्रॉम इमेजेस। बट अच्छा, मैंने यहाँ पे कैप्चा इंटर करना है, मैं सेम जो उसने यहाँ पे बताया है मैं उसको इंटर कर दूंगा। ठीक है, यू सी द इमेज दैट कंटेंट्स 8950, जस्ट इंटर द, ये आपको ट्रेनिंग करवा रहा है। ठीक है, देखिए अभी टाइम कम है इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपने पहले ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है। मैं इसको इंटर कर देता हूँ। इंटर करने के बाद नेक्स्ट कैप्चा आ गया, इसको भी 34 सेकंड दिए हैं। अब उसने बता दिया कि इसमें 251153। ठीक है जी, इसको मैं इंटर कर देता हूँ। इंटर कर दिया, इंटर करने के बाद अब ये है CD CD 6D 6E। ठीक है जी, ये आपने सेंड कर दिया। 16 कैप्चाज आपने ट्रेनिंग के दौरान इंटर करने हैं। ठीक है, अब ये देखें थोड़ा सा मुश्किल आ गया है, अब इसको मैं करके देखता हूँ। मेरा वो भी इसने अप्रूव कर दिया है। अब मैं आपको 4th one करके बता रहा हूँ। मैं आपको इसलिए ये सारे करके बता रहा हूँ, वरना मैं आपको डायरेक्ट जो है टेक्स्ट, ये देखें उसने बताया हुआ 2 words हैं, इनमें आपने स्पेस भी देनी है। मैं आपको साथ साथ समझा रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो। इसको मैं अभी 17 सेकंड बाकी हैं, ये मैंने स्पेलिंग चेक कर लेने हैं। इंग्लिश में अगर कोई कैपिटल वर्ड है तो आपने उसको कैपिटल लिखना है। फिर मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ। ये मेरे देखें 4 कैप्चर्स हो गए, ऊपर 5वां आ गया। 5वें का अब उसने क्या किया हुआ है,
उसने न्यूमेरिक और अल्फाबेट सारे लगा दिए हैं, एंड करता हूँ, हो सकते हैं इसमें स्पेस हो, ये वो ना देखें, वो भी उसने एक्सेप्ट कर दिया है, ये वो मेरी ट्रेनिंग करवा रहा है, ठीक है जी। अब देखें ये कैपिटल लेटर्स आ गए, अब इस पर मैंने कैपिटल लेटर्स लगाने, तब ये मेरे कैप्चा को अप्रूव करेगा। तो बहुत ही सिंपल काम है, बहुत ही आसान काम है, बच्चों वाला काम है, आप बैठ के आपने पहले किया होगा। अच्छा अब देखें, वो ये कह रहा है कि इसमें अनलाइन ओनली आपने बताने हैं, इसलिए देखें मेरा गलत था तो उसने मुझे करेक्ट कर दिया है, जो मैंने चूंकि सारे टाइप कर लिए थे, मैं आपको समझा रहा था, मैंने पढ़ा नहीं। अब मैं अंडरलाइन वर्ड्स करके इसको सेंड करता हूँ। ट्रेनिंग के दौरान आपने परेशान नहीं होना, आपकी गलती भी हो सकती है। अब यह है, मैंने आपको तकरीबन काफ़ी समझा दिया, मैं ट्रेनिंग कंप्लीट करके आपको बताता हूँ। इस तरह के भी आपके पास आते हैं जिनमें आपने हाउसेस सेलेक्ट करने होते हैं, ये देखें ये हाउस है, ये हाउस है, ये अच्छा यहाँ पर आपने लिखना है, ठीक है जी। हाउस आपने लिखा 2569, इसको आप इंटर कर दें। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि स्टोर का फ्रंट, जो किसी स्टोर का फ्रंट है वो आपने बताना है। पिक्चर्स का है इसलिए मैं आपको ट्रेनिंग में दोबारा से बता रहा हूँ। यहाँ पे जो स्टोर का फ्रंट है ये 6 नंबर है, 8 नंबर मुझे लग रहा है, सॉरी 1, 6, 8, ये तीनों मुझे लग रहे हैं। अब देखते हैं क्या, अगर इसमें कोई गलती होती है तो ये हमें बता देगा। वो बता रहा है करेक्ट आंसर 578 है, ठीक है जी। जी तो वो स्टोर का, चूँकि वो बाहर उसका बैनर भी लगा हुआ है, तो इस वजह 578 आपने इसको किया, इंटर कर दिया, ठीक है जी। अब आपका वो क्या कह रहा है, दिस वन इज सिमिलर बट इट्स लिटल बिट मोर कम्प्लेक्स, यू हैव टू सेलेक्ट स्ट्रीट साइंस, ठीक है जी। तो इस तरह के कैप्चाज भी आपको आते रहते हैं, स्ट्रीट साइंस आपने सेलेक्ट करने हैं। 37B में ये आ रहा है, उसने अप्रूव कर दिया है। अब इसमें 6AE है, तो ये मैं आपको इसलिए ट्रेनिंग के दौरान बता रहा हूँ कि इस तरह से आपकी गलती भी होती है, तो आप कहते हो कि ये तो मेरा कैप्चा अप्रूव नहीं हुआ, क्योंकि आपके उसमें गलतियाँ होती हैं, ठीक है जी। सेलेक्ट ऑल इमेजेस विद स्ट्रीट नंबर्स, स्ट्रीट नंबर्स अब देखें, वो कह रहा है मिनिमम 4 होने चाहिए, मैक्सिमम भी 4 होने चाहिए, 1, 2, 3 आपने लिखनी है, गिनती आपने लिखनी है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर हमने लिखना है आंसर इज 1359 जी, यहाँ पे आपने लिख लिया 1359, तो आपने इसको एंटर कर दिया। अच्छा जी, यहाँ पे उसने तमाम तर आपको मालूमात दे दी है जब आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया। तो अब उसने आपको बताया है, टू कैप्चा इंटाइटल वर्कर्स टू अर्न फंड्स बाय सॉल्विंग कैप्चास टास्क यूजिंग टू कैप्चा .com वेब इंटरफेस एंड ऑथराइज एप्लीकेशन प्रोवाइडेड दैट द वर्कर सॉल्व द कैप्चा टास्क इन गुड फेथ, रजिस्ट्रेशन ऑन वेबसाइट एंड यूजिंग एप्स फॉर वर्क इज फ्री, इट इज़ प्रोहिबिटेड टू, देखें क्या क्या ये मना कर रहा है वो आपने यहाँ पे पढ़ लेना है। द अकाउंट फाउंड टू बी इन वायलेशन ऑफ अबव रूल्स विल बी ब्लॉक्ड परमानेंटली, इट्स फंड्स नॉट बी विड्रॉन, अगर कोई आप इस तरह की गलतियाँ करते हैं, बेशक इनकी पिक्चर्स बना के आप रख लें, जहन नशीन करते हैं तो जहन नशीन कर लें, कहीं पर भी इंसान काम करे तो ईमानदारी के साथ करना चाहिए, इस तरह के फेक जो हथकंडे हैं इनसे बचना चाहिए, ठीक है जी। अबाइडेंस बाई दीज रूल्स इनेबल्स अ वर्कर टू विड्रॉ द फंड्स अर्न यूजिंग द पेमेंट सिस्टम लिस्टेड इन पर्सनल कैबिनेट ऑन टू कैप्चा, ठीक है जी। वो कह रहे हैं कि ये तमाम चीज़ों को आप एग्री करते हैं, जी हाँ जी हम एग्री कर रहे हैं। एग्री करने के बाद आपकी ट्रेनिंग कम्प्लीट हो गई है, अब आपने दोबारा से यहाँ स्टार्ट वर्क पे क्लिक कर देना है। अब ये देखें 0.26 पर 1000 कैप्चा, अब यहाँ पर ये देखें उसने क्या किया हुआ है, FK7 8C, अब ये मेरी वर्किंग स्टार्ट हो गई है। मैं इंटर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है जी। इमेज इंस्ट्रक्शन फॉर कैप्चा, प्रेस इन द फॉलोइंग ऑर्डर, ठीक है, पहले आपने इसको प्रेस करना है, फिर आपने इसको करना है, फिर आपने हार्ट शेप को करना है, फिर आपने इसको करना है, फिर आपने इसको करना है। पहले आप इसको कर दो, फिर 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 आपने इसको कर दिया, सॉरी फिर आपने इसको कर दिया, ठीक है जी। अब आप इसको सेंड कर दें इन द फॉलोइंग ऑर्डर, ठीक है, इस ऑर्डर में आपने प्रेस करना है। इसको आपने क्लिक किया, इसके बाद इसको क्लिक किया, इसके बाद ये अम्ब्रेला शेप है, इसके बाद ये शेप है, इसके बाद ये शेप है, इसको आप सेंड कैप्चा कर दें। तो इस तरह से आपने कैप्चा की वो करना है। ये देखें 4 कैप्चा आपने एंटर कर दी है, 0.00161 डॉलर्स आपने अर्न कर लिए हैं, ठीक है जी। मैं डैशबोर्ड में जाता हूँ, ठीक से आपने दिन को जितने भी आप घंटे इसको दे सकते हो आपने इसके ऊपर वर्किंग करनी है, आपने इसके ऊपर
अपना अकाउंट बना के अभी से आप वर्किंग स्टार्ट कर ले, कैप्चा एंटर करें, कोई मुश्किल काम नहीं है। बच्चे को भी अगर समझ आ जाए तो बच्चे भी इसके साथ कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आपने पे आउट के ऑप्शन पे आ जाना है। देखें अवेलेबल फंड्स ये हैं, मिनिमम विड्रॉल अमाउंट ये है, वॉलेट टाइप अब आपने यहाँ पे नहीं दिया हुआ, चेंज वॉलेट पे हम क्लिक करते हैं। तो ये देखें जी, अब ये यहाँ पे बता रहा है कि परफेक्ट मनी के जरिए से आप पेमेंट ले सकते हैं, ये भी पाकिस्तान में काम कर रहा है, ठीक है। बिटकॉइंस में आप लेना चाहें बिटकॉइंस में ले सकते हैं। इसके अलावा पेयर, पेयर के जरिए से आप अपनी पेमेंट, पेयर का आप अकाउंट बनाएं, पेयर के अकाउंट पे आप जो है आपका 0.50 डॉलर मिनिमम होने चाहिए, मतलब एक डॉलर से भी कम आपकी पेमेंट हो तो आप ले सकते हो। इसकी फीस कुछ भी नहीं है। इसके ज़रिए से आप अपनी पेमेंट पेयर के अकाउंट में लोगे और वहां से आप सीधा अपने जैज कैश और इजी पैसा में ट्रांसफ़र कर सकते हो। इतना आसान काम है, बच्चों वाला काम है। आप आराम से इसके ऊपर अकाउंट बना के वर्किंग करो, अपने कैप्चा टाइप करो, उसके ज़रिए से इससे अपने डायरेक्ट अर्निंग लो, ठीक है। तो आप इस पे अभी से अकाउंट बनाओ, इसको दूसरों तक शेयर करो, इसके ऊपर वर्किंग करो और इसके ऊपर आज से ही अपनी अर्निंग स्टार्ट करो। इसके अलावा इस पे ये एक एफिलिएट प्रोग्राम का ऑप्शन है। एफिलिएट प्रोग्राम में आप जाते हैं तो ये आपका रेफरल लिंक है, आप इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको जाके पेस्ट करते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने ये वीडियो लगाई है, इसके नीचे अगर मैं ये लिंक दे देता तो आप इसके ज़रिए से जाके इसके ऊपर अकाउंट बनाते तो मुझे भी उसकी अर्निंग होती, ठीक है। तो आप इसको, आप ये कर सकते हो कि आप इसको कॉपी कर सकते हो, कॉपी करके आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इसको लगा सकते हो, अपने फ्रेंड्स को भेज सकते हो, उनको बता सकते हो यार कैप्चा वर्किंग है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, ये लो जी आप इस लिंक से अपनी आईडी बना लो, अपना अकाउंट बना लो, तो वो उससे अकाउंट बनाएंगे तो आपको भी उसकी अर्निंग होगी। तो मोस्टली प्लेटफॉर्म है, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया किस तरह से अकाउंट बनाएगा और किस तरह से विड्रॉ होगा। कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि आप इसके बावजूद भी कोई सवाल उठा सकें, फिर भी अगर आपको कहीं मुश्किल आती है आप सवाल पूछें, मैं आपको जवाब दूंगा, मैं कमेंट्स का रिप्लाई करता हूं, कमेंट्स किया करें। अगर आपको काम अच्छा लगता है या कहीं समझ नहीं आता तो पूछ लिया करें, कमेंट के नीचे कमेंट करके बताया करें। और अच्छा, ये वो बता रहा है कि अर्न 10% फ्रॉम योर रेफरल्स, ठीक है, आपको 10% भी उन रेफरल्स की जो अर्निंग होगी उसका 10% आपको मिला करेगा, ठीक है जी। तो आप जो, हाँ, जिस भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं उस पे जाहिर है करनी तो आपने अर्निंग है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका मकसद ये है कि आपने पैसे कमाने हैं, ठीक है। तो आपने पैसा कमाने के लिए जब आप इस किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो उसके जितने भी तरीक़ेकार हैं उनके ज़रिए से आपने अर्निंग लाजमी करनी होती है, ठीक है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकें। इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो दूसरों तक लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये आसान काम है, हर कोई कर सकता है जी। तो गाइज आपने मेरी वीडियो देख ली होगी, यकीनन आपको अच्छी लगी होगी, तो फिर लाइक क्यों नहीं कर रहे, मेरी वीडियो को लाइक कर लें, इसको शेयर कर लें ताकि उन लोगों तक पहुंच जाए जिनको इसकी ज़रूरत है। तो देखा आपने कि कैसे मैंने एबीसी लिख के, जो मैंने अपने थंबनेल पे लिखा था कि एबीसी लिख के आपने पैसा कमाना है, जो मैंने आपको वीडियो में बताया था कि एबीसी के जरिए से आपने पैसा कमाना है, वही कुछ करके दिखाया है मैंने आपको, बस आप भी कर सकते हो। हाँ, अगर आपको एबीसी नहीं आती तो एक दिन लगेगा, कम से कम वो याद कर लें, इसके ऊपर अपना अकाउंट बना लें और उसके बाद से पैसा कमाना शुरू कर लें। अब अगर इससे आसान काम आप चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आप मोबाइल से जो ये वीडियो देख रहे हैं इसके बीच में से पैसा निकल के आपके झोली में गिरना शुरू हो जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आप ये चाहते हैं कि खुद YouTube वाले आपको घर आके पैसा देना शुरू हो जाए, तो ऐसा भी मुमकिन नहीं है। किसी भी क्रिएटर की, किसी भी YouTube की बड़ी से बड़ी वीडियो देख लें, उसको फोन कर लें, वो आपको खुद आके पैसे नहीं देगा। हमने आपको तरीका बताना है, हमने आपको अपना फर्ज अदा करना है, जो मालूमात हमारे पास आती है स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखानी है, आपकी गाइडलाइन करनी है, काम आपने करना है, मेहनत आपने करनी है, पैसा आपने कमाना है, तो मेहनत करें और पैसा कमाएं। और आप अगर वाकई ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोज की अपडेट्स आपके पास आती रहें और नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बहुत जल्द मिलता हूँ किसी नई वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह निगहबान।